नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। एतदुक्तं भवति, तीसरी पंक्ति चल रही थी 502। आत्मैव जीव प्राणादीनाम अधिकरण नान्यतिति। इस संदर्भ में यह तथ्य हृदयंगम करने योग्य है, जीव हो प्राणादि हो, इन सब का अधिकरण आशय परमाधार आत्मा ही सिद्ध होता है, न कि कोई अन्य। संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग में है, हिंदी वाले स्त्रीलिंग में बोलते हैं, परमात्मा महात्मा सब पुल्लिंग ही हैं। हम लोगों का अभ्यास आत्मा को पुल्लिंग में बोलने का ही है। जीव हो प्राणादि हो, इन सब का अधिकरण अर्थात आश्रय आत्मा ही है, न कि कोई अन्य। यद्यप्य जीवो नात्मनो भिद्यते, तथापि उपाध्यवच्छिन्नस्य परमात्मनो जीवत्वेन उपाधिभेदाद् भेदम आरोप्य आधाराधेयभावो द्रष्टव्यः। अब कहते हैं शुक रहस्योपनिषद, ब्रह्मज्ञानावली माला आदि में जीवो ब्रह्मा इस प्रकार कहा गया है, जीव तो वास्तव में परमात्मा स्वरूप ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति में अगर जीव का आश्रय भी आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म को मानेंगे तो आत्माश्रय नामक दोष की प्रसक्ति होगी। स्वयं ही स्वयं के आश्रित कैसे रहेगा जीव, क्योंकि जीवात्मा कहने पर आत्मा स्वरूप ही जीव सिद्ध होता है। कहते यद्यपि ऐसी बात है, जीवो नात्मनो भिद्यते, या जो जीव है वो आत्मा से भिन्न सिद्ध नहीं होता, तथापि उपाधि अवच्छिन्नस्य परमात्मनो जीवत्वेन। अब कहते जब तक उपाधि से अवच्छिन्न आत्म तत्व है तब तक उसका नाम जीव है, उसका स्वभाव प्रभाव सब जीवोचित ही होता है। इसलिए औपाधिक धरातल पर विचार करें तो जीव आश्रित सिद्ध होता है, उसी का जो तात्विक स्वरूप है वह आश्रय सिद्ध होता है। आज मैंने एक उदाहरण दिया था प्रवचन में, बीज का मौलिक स्वरूप तो पृथ्वी ही है, लेकिन बीज कहाँ बोते हैं? पृथ्वी में। तो जब तक संस्कार संपन्न बीजावस्था है तब तक वो बीज आश्रित है और पृथ्वी आश्रय है। अगर बीज से संस्कार को हटा देंगे, संस्कार विहीन जो बीज है, मृत्तिका मात्र पृथ्वी मात्र है। ऐसे ही जब तक देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति अहंता ममता से संपन्न आत्मा है तब तक उसी का नाम जीव है। औपाधिक धरातल पर जैसे जीव की उपाधि प्राण, जीव की उपाधि अंतःकरण का आश्रय परमात्मा सिद्ध हो सकता है, वास्तव आत्म तत्व सिद्ध हो सकता है, वैसे ही जीव का आश्रय भी परमात्मा सिद्ध हो सकता है। अभेद औपाधिक धरातल पर नहीं है, निरुपाधिक धरातल पर है। उपाध्यवच्छिन्नस्य, इसी को लेकर मैंने कहा था
इन पंक्तियों के आधार पर भामतिकार को प्रायः अधिकांश महाभाग अवच्छेदवादी मानते हैं। अवच्छिन्नस्य का उपाधि से अवच्छिन्न परमात्मनो जीवत्वेन उपाधि भेदात भेदम आरोप्य आधारादेय भावो द्रष्टव्य। अब औपाधिक धरातल पर परमात्मा या आत्मा और जीव का भेद सिद्ध हो जाता है। उपाधि के भेद से जीव में भेद की सिद्धि भी हो जाती है, लेकिन आत्मा में भेद की सिद्धि नहीं होती। जीवात्मा में भी भेद तब तक है जब तक आत्मा अपने आप में पूर्ण है, लेकिन औपाधिक धरातल पर जब उसका नाम जीव होता है तो अपने वास्तव स्वरूप के प्रति वह आश्रित हो जाता है। आश्रित यह भी एक भक्ति का स्रोत निकल आया ना। मान लिया कि जीव और परमात्मा दोनों एक हैं, लेकिन परमात्मा आश्रय है, जीव आश्रित है। क्यों? औपाधिक धरातल पर वह देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यपन्न है, इसलिए भगवान के आश्रित जीव रहता है। यहाँ वेदांत की भाषा में कहेंगे आत्मा के आश्रित जीव रहता है। सुषुप्ति में जीव का आश्रय, उसका अभिव्यंजक संस्थान या उसका अवच्छेदक प्राणादि न होकर वास्तव में उसका तात्विक स्वरूप आत्मा ही है। बहुत सा उदाहरण दिया था, घटाकाश का आश्रय एक हुआ घट, दूसरा हुआ महाकाश अखंडाकाश, दो दो आश्रय हो गए। घट अवच्छेदक संस्थान है, वो भी आश्रय है, क्योंकि घटाकाश में विशेषण के रूप में घट शब्द का प्रयोग किया गया तो अवच्छेदक हो गया, घट भी आश्रय है। लेकिन विचार करके देखें सूक्ष्मता आदि की दृष्टि से तो घटाकाश का आश्रय महाकाश ही सिद्ध होता है। एक ही वस्तु में औपाधिक धरातल पर आधाराध्यय भाव की सिद्धि कैसे हो सकती है, इसके लिए हमने उदाहरण दिया। जैसे घटाकाश आश्रित हो जाता है, आधेय हो जाता है, और आकाश आश्रय बन जाता है, आधार बन जाता है, वैसे ही अब घट के भेद से घटाकाश में भेद का उपचार होता है। इस प्रकार से औपाधिक धरातल पर जीव का अनेकत्व भी सिद्ध हो जाता है, निरुपाधिक धरातल पर जीव का एकत्व भी सिद्ध हो जाता है। भेदम आरोप्य आधारादेय भावो द्रष्टव्य। यहाँ पर भेद का आरोप करके जीव को आधेय और आत्मा को आधार माना गया है, या समझने योग्य तथ्य द्रष्टव्य ऐसा समझना चाहिए, देखना चाहिए, माने जानना चाहिए। एवं च जीव भवनाधारत्वमपादानत्वम च परमात्मनोपपन्नम्। इस प्रकार परमात्मा में जब तक अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्नत्व प्राप्त है तब तक वह जीव है, और जीव दशा में भी परमात्मा का विलोप हो जाता हो ऐसा नहीं। जैसे आकाश घट रूप अवच्छेदक के योग से घटाकाश कहा जाता है, लेकिन उस समय भी आकाश का कोई विलोप हो जाता हो ऐसा नहीं। इसी प्रकार से जीव भावापन्न जब आत्मा है उस समय भी आत्म रूप से ही है। प्रागेव विद्यमानत्वात् श्रीमद्भागवत दसम स्कंध। अब यहाँ परिणामवादियों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ब्रह्म का परिणाम जगत को मानेंगे, किस प्रकार का परिणाम? कदाचित दूध का परिणाम जैसे दही है, तो सृष्टि दशा में
ब्रह्म का विलोप हो जाएगा और जगत का लय स्थान भी कोई सिद्ध नहीं होगा। दूध जब दही हो गया तब दही का लय स्थान दूध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अवशिष्ट रहे तब तो लय स्थान हो ना। दूध दही होने पर भी दुग्ध रूप से शेष रहे तब लय स्थान हो सकता है। तो एक नियम है, जैसे पिंड घट का पिंड जो है घट होगा, लेकिन जैसे घट कारी है वैसे पिंड भी कारी है। तो दो कक्ष, घट से ऊपर पिंड, लेकिन घट दशा में पिंड नहीं है, पिंड दशा में घट नहीं है। तो इसका मतलब घट के सदृश पिंड को भी मिट्टी का कार्य मानेंगे। जैसे पिंड में मिट्टी की अनुगति थी वैसे घट में भी है, और घट काल में मिट्टी विद्यमान है तब तो उसकी अनुगति होगी, और घट काल में पिंड विद्यमान नहीं है तो पिंड की अनुगति घट में नहीं हो सकती। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि अगर पूरा ब्रह्म परिणामवादियों के यहाँ जगत बन गया तब मुक्तोपसृप्य ब्रह्म शेष नहीं रहेगा, और महाप्रलय में फिर जगत ब्रह्म कैसे होगा? लय की प्रक्रिया नहीं बनेगी ना। अगर जल विलुप्त होकर पृथ्वी हो जाए तो पृथ्वी का लय स्थान जल कैसे बना रहे, और तेज अगर विलुप्त होकर के जल भावापन्न हो जाए तो जल का लय स्थान तेज कैसे बना रहे, वायु अगर तेज के रूप में परिणत हो जाए पूर्ण रूप से शेष ही न रहे तो तेज का लय स्थान फिर पंचभूत भी कैसे कहेंगे, तो एक ही भूत रह जाएगा ना। अंतिम कार्य जो होगा जिसको हम पृथ्वी कहते हैं वही एक भूत रह जाएगा, पृथ्वी को ही भूत कहेंगे, चार भूत का लोप हो जाएगा। जैसे दूध दही बन गया तब दूध का तो लोप ही हो गया, लेकिन आकाश भी रहता है, वायु भी रहता है, तेज भी रहता है, जल भी रहता है, पृथ्वी भी रहती है। तो यह भी परिणामवाद है, लेकिन परिणाम कुछ विलक्षण है या नहीं। सांख्यवादी भी जब माया का परिणाम जगत को मानते हैं, माया का अर्थ उनके यहाँ प्रधान प्रकृति या अव्यक्त या त्रिगुण, जगत को त्रिगुण का परिणाम मानते हैं, तो महत्त्व के बन जाने पर भी त्रिगुण शेष रहते हैं या नहीं, और अहं तत्व के बन जाने पर भी महत्त्व शेष रहता है या नहीं, तन्मात्राओं के बन जाने पर भी अहं तत्व शेष रहता है या नहीं, और पंचभूत स्थूल बन जाने पर भी तन्मात्राएं शेष रहती हैं या नहीं, और पंचभूतों के तारतम्य संघात वृक्ष इत्यादि शरीरादि के बन जाने पर भी पंचभूत शेष रहते हैं या नहीं। तो परिणाम के भी दो भेद हो गए ना, एक वह जो कार्य के रूप में परिणत होने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे, और यह एक वह जो दूध के समान दही के रूप में परिणत हो जाए अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर दे। तो सांख्यवादी भी विवर्त गर्भित परिणाम को मानते न, सर्वथा परिणाम को माने तो अचित पदार्थों के 24 प्रभेद भी उनके यहाँ सिद्ध न हो। इसीलिए अंत में श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने जो परिणाम को माना, ब्रह्म का परिणाम जगत है, तो जीव भी एक प्रकार से उसी कोटि में आ गया। ब्रह्म का परिणाम जगत है तो उनको कहना पड़ा कि ऐसा परिणाम नहीं है जैसा कि दूध का दही। अब वल्लभाचार्य जी ने कहा इसी का नाम तो अविकृत परिणाम है, इसी का नाम अविकृत परिणाम। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने संकेत कर दिया कि हम जब ब्रह्म का परिणाम जगत को कहते हैं तो यह मत समझो कि मुक्तोपसृप्य ब्रह्म शेष नहीं रहा, सृष्टि दशा में ब्रह्म नामक कोई तत्व ही नहीं बचा, ऐसा मत समझो। अब उसी श्री रामानुज सिद्धांत को अपने शब्दों में परिष्कृत करते हुए वल्लभाचार्य जी ने कहा अविकृत परिणाम है। अविकृत परिणाम है तो कोई दृष्टांत भी होना चाहिए। तो उन्होंने स्वर्ग को लेकर कई उदाहरण दिया, कल्पतरु
अभीष्ट वस्तु की सिद्धि हो जाने पर, कामना की सिद्धि हो जाने पर भी कल्पतरु जो के त्यों विद्यमान रहता है। कामधेन के द्वारा इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी कामधेन की विद्यमानता बनी रहती है। चिंतामणि के द्वारा अभीष्ट चिंतित पदार्थ की सिद्धि हो जाने पर भी चिंतामणि की विद्यमानता रहती है। अवलौकिक उदाहरण दिया वैदिक भी मंत्र राम कृष्ण आदि या बीज मंत्र रिंग श्रृंग आदि क्लिंग आदि अभिमत सिद्धि देने पर भी मंत्र का स्वरूप ज्यों के त्यों विद्यमान रहता है। लौकिक वैदिक उभय सम्मत दृष्टान्त है। स्वर्गादि तो हम शास्त्र के द्वारा ही समझ सकते हैं। स्मरण नहीं है, स्वर्ग में रहे भी होंगे तो रहे तो होंगे कई बार, लेकिन स्वर्ग में कल्पतरु कामधेन चिंतामणि है, स्मरण का विषय नहीं है, लेकिन मंत्र में तो यह शक्ति आज भी है। किसी प्रकार से अब यह भी जो दृष्टांत है वो भगवान शंकराचार्य के द्वारा ही प्रयुक्त है कठोपनिषद के भाष्य में। एक दिन मैंने कहा था विश्वरूप मणि चिंता मणि का उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने कि उसका कार्य जगत होता अभीष्ट पदार्थ होता है लेकिन उसमें विकृति नहीं होती। तो अंत में वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, परिणामवाद का अर्थ कर दिया अविकृत परिणामवाद, जहाँ उपादान कार्योत्पत्ति के बाद भी शेष रहे तो सांख्यों के सन्निकट हो गए। सांख्यों ने ब्रह्म का परिणाम न मानकर जगत का परिणाम यह माया या व्यक्त या प्रकृति या प्रधान का परिणाम माना। मैंने सांख्यों की यह विशेषता है, अगर ब्रह्म को स्वीकार करते तो ब्रह्म का विवर्त ही जगत हो सकता था, परिणाम नहीं। इसलिए उन्होंने प्रकृति प्रधान या व्यक्त का परिणाम या त्रिगुण का परिणाम जगत को माना, लेकिन परिणामवाद में भी अविकृत परिणाम को ही स्वीकार किया, क्योंकि कार्य की रचना के बाद भी कारण अपने स्वरूप में रहता ही है। जैसे कि आकाश वायु की संरचना होने पर भी आकाश के रूप में विद्यमान रहता है, विवर्त गर्भित परिणाम को स्वीकार किया। इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि अवच्छेदवाद में अवच्छेदकता की बात यहाँ पर हुई, वहाँ तो कारण से कार्य की निष्पत्ति हुई और यहाँ अवच्छेदक के कारण एक वस्तु की दूसरे वस्तु के रूप में प्रतीति हुई। क्या यहाँ सीधे आकाश ही घट नहीं बन गया? उस ढंग से तो आकाश से वायु इससे पृथ्वी का परिणाम है घट, लेकिन आकाश अवच्छेदक के योग से घट आकाश हो गया, मठ रूप अवच्छेदक के योग से मठ आकाश हो गया। इसी प्रकार अंतःकरण के योग से यहाँ भी अगर विचार करके देखें तो अवच्छेदक की कार्य रूपता ही सिद्ध है, क्योंकि ब्रह्म से ही तो जगत की उत्पत्ति होगी, परमात्मा से। उपादान कारण भी तो वेदांत में परमात्मा को माना जाएगा, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। तो अवच्छेदक भी जो अंतःकरण इत्यादि हैं वो जिस किसके कार्य हैं, आत्मा के, ब्रह्म के, परमात्मा के ही कार्य हैं, तो कार्य होकर के ही अवच्छेदक बन जाते हैं क्या? तो इसका अर्थ जो है प्रकारांतर से यही हुआ कि अवच्छेदक के रूप में भी विद्यमान है, अवच्छिन्न के रूप में वह विद्यमान है, अनवच्छिन्न के रूप में भी वही विद्यमान है। ऐसा नहीं कि अवच्छेदक हो के रूप में परिणत हो गया और ऐसा नहीं कि अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न होकर अनवच्छिन्न के रूप में शेष नहीं रहा। एवं च जीव भवनाधारत्वम अपादानत्वम च परमात्मन उपपन्नम। इसका अर्थ हुआ इस प्रकार, जीव भी हो जाता है आत्मतत्व, जीवाधार के रूप में शेष भी रहता है आत्मतत्व, दोनों बात। अब अवच्छेदक को अभिव्यंजक समझकर उसका उपयोग कर ले सिद्धों का सिद्ध हो जाए। एक दिन हमने कहा था जो आवारक आवरक या आच्छादक है उसको अभिव्यंजक क्यों नहीं बना लेते?
अच्छा जो अवच्छेदक है वो हमारा भी व्यंजक भी तो है ना, इसलिए जो आच्छादक है, आवारक है, अवच्छेदक है, उसको अभी व्यंजक समझकर हम अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। तो आत्मतत्व आत्मरूप से शेष रहता हुआ ही अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न होकर जीव पद वाच्य होता है। अतः जीव के आधार दो हो गए, एक आधार उसका अवच्छेदक ही हो गया, दूसरा आधार जिस अवच्छेदक के कारण जो अवच्छिन्न बना है वो आत्मतत्व। तो वास्तविक आधार कौन होगा? घटाकाश का वास्तविक आधार घट होगा या महाकाश होगा? प्रातीतिक ढंग से अवच्छेदक आधार प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जो अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न होता है वही आधार वास्तविक होता है। तो घटाकाश का वास्तविक आधार आकाश ही हो गया। आवरक को विशुद्ध संस्कृत में आवारक कहते हैं, वारक आवरक शब्द भी चलता है कहीं कहीं, कोई बहुत ऊंचे वैयाकरण वो भी शुद्ध है आवरक, बहुत ऊंचे वैयाकरण सुदर्शनाचार्य जो थे सुखबोधाश्रम, बहुत अच्छे वैयाकरण आवरक को आवारक कहते हैं। वो तो बिल्कुल आवरक शब्द देख के चिढ़ जाते थे, आवारक होना चाहिए, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग है। तो जो आच्छादक होता है वो क्या होता है? अभिव्यंजक होता है। घटाकाश का घट आच्छादक है या नहीं, और अभिव्यंजक भी है या नहीं? अभिव्यंजक भी है। तो जो आच्छादक है उसी का नाम अभिव्यंजक है वो, लेकिन हम अभिव्यंजक बना लें तो मारक वस्तु तारक बन जाए, अक्लिष्ट उपयोग हो जाए आच्छादक का। क्या जो ढकने वाली वस्तु है वही तो हमको क्या है, अवच्छेदक है, वही तो अभिव्यंजक भी है ना। तो जब तक हम उसमें तादात्म्यपन्न हैं तब तक क्या है, हमारे लिए आवारक है, आच्छादक है। और जब हम अपने मौलिक स्वरूप पर विचार करते हैं तो अभिव्यंजक है। किस प्रकार ऐसा है कि बड़ी विकट कथा, उनको हुआ कि संन्यास झट पर ले लेना चाहिए, पंडितानी तेज थी। अब वो कहाँ लें, किससे लें? सुख ये जो थे स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग जोशी मठ के शंकराचार्य, उनके एक दंडी स्वामी शिष्य थे, पढ़े लिखे नहीं के बराबर। अब इन्होंने कहा दंडी स्वामी तो है ही आखिर, आप गुरुजी बन जाओ, हमको शिष्य बना लो। अब प्रश्न उठा कि वो तो तत्वमसि ये सब कुछ जानते ही नहीं थे, दंडी स्वामी ब्राह्मण थे, दंडी स्वामी थे, तो सुखबोध आश्रम विचित्र ही थे ना। नरवर के जो गृहस्थ थे, बुढ़ापे में नहीं युवावस्था बहुत बढ़ गई थी तब शादी की थी प्रधानाचार्य, वो बहुत बड़े विद्वान थे, काशी के पंडितों में भी उनकी धाक थी। उनसे कहा कि आप जरा महावाक्य का अर्थ हमको सुना दीजिए। फिर अब संन्यास के समय स्वयं कर्मकांडी पंडित भी बन गए, माने गुरु केवल दंडी स्वामी थे इसलिए संन्यास ले लिया और अपने को कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की परंपरा में मान लिया, लेकिन गुरु जी उनसे बहुत ही अयोग्य थे, नाम मात्र के दंडी स्वामी थे, सदाचारी थे ऐसा। एवं च जीव भवनाधारत्वम अपादानत्वम च परमात्मन उपपन्नम। तो जीव भाव भी है और जीवाधार भी परमात्मा है। अवच्छेदक में तादात्म्यापत्ति पर्यंत जीव भाव है, परमात्मा में तादात्म्यापत्ति हो जाए तो परमात्मा भाव की सिद्धि हो जाए। क्या अपना आश्रय भगवान को मान ले, आत्मा को मान ले, अपने वास्तव स्वरूप को मान ले तो तर जाए ना जीव,
और अपना आश्रय अभिव्यंजक संस्थान अवच्छेदक को मान ले तो मर जाए, मर जाए माने संसार में गोता लगाता रहे, यही तो है। अब हमारे दो आधार हैं, असली आधार परमात्मा जो हमारा बिंब स्वरूप है, अनवच्छिन्न रूप है, तात्विक रूप है, उसको मान लें तो तरने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, और अपना आश्रय अंतःकरण को मान लें तो होता क्या है। किसी वेदांति से भी कहें तुम्हारी जो सत्ता है किस पर निर्भर है, तो पंचकोश का अगर उसको विवेक है तो क्या बोलेगा, अन्नमय प्राणमय मनोमय कोशापेक्ष मेरी सत्ता है, इनका अपहरण कोई कर ले तो प्राणमय मनोमय तो छोड़ दीजिए, अन्नमय को ही ले जाए तो कोई मुर्दा हो जाए। अच्छा आप सत हो तो अन्नमय प्राणमय मनोमय मुझे दे दो अरे मर जाऊंगा, रहूंगा ही नहीं। मानता है अपने को सत, लेकिन स्थिति क्या है, अन्नमय प्राणमय मनोमय को सापेक्ष, विशेषकर अन्नमय को सापेक्ष अपने को सत मानता है। चित हो आप तो मनोमय विज्ञानमय मुझको दे दो, ज्ञान स्वरूप होकर है तो मैं क्या रह जाऊंगा फिर क्या। ये थोड़े समय भान रहता है कि विज्ञानमय मनोमय में जो ज्ञान की धारा बहती है, जहाँ से जो ज्ञान स्वरूप है वही मैं हूँ। अपनी चित्ता किसके ऊपर निर्भर रखते हैं हम लोग, विज्ञानमय मनोमय कोष के ऊपर। अच्छा आप तो आनंदमय स्वरूप हो तो आनंदमय कोष मुझे खींच लेने दो अरे तब तो कुछ रहेगा नहीं। तो वेदांत की प्रक्रिया का आलंबन लेना ठीक है, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है, निष्ठा क्या है। आनंदमय कोष सापेक्ष हम मानते हैं क्या अपनी प्रियता, विज्ञानमय मनोमय कोष सापेक्ष मानते हैं चित्ता, और कह दें तो प्राणमय अन्नमय कोष सापेक्ष मानते हैं सत्ता। लेकिन मन मैंने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि सुषुप्ति में चेतना नहीं के बराबर रहती है। तो एक व्यक्ति मूर्छित रहे, किसी का पति मूर्छित रहे 6 महीने तक, तो एक प्रकार से अपने को विधवा ही मानेगी। इसीलिए मैंने मन को भी जोड़ दिया, तो विशेषकर अन्नमय कोष सापेक्ष मानते हैं सत्ता, या अन्नमय प्राणमय कोष सापेक्ष मानते सत्ता, और ऊपर ले जाएं तो अन्नमय प्राणमय मनोमय कोष सापेक्ष मानते हैं सत्ता। एक अपहरण करने के लिए कोई तैयार हो जाए तो हम रहेंगे ही नहीं, ऐसी मान्यता होती। मनोमय विज्ञानमय या केवल विज्ञानमय कोष सापेक्ष मानते हैं चित्ता, ज्ञान विज्ञानमय कोष का अपहरण हो गया तो हम तो रह गए क्या, विज्ञान रूप रह गए, ऐसा नहीं मान पाते। और आनंदमय प्रियमोद प्रमोद को कोई ले ले तो हम रह गए कुछ दरिद्र के दरिद्र। इसीलिए बहुत विचित्र बात है, ये हमारे अभिव्यंजक होते हुए हमसे सत्ता चित्ता प्राप्त प्रियता प्राप्त करते हुए हमारे आच्छादक बन गए क्या। आच्छादक ये हो गए कि हमारी सत्ता चित्ता प्रियता हमारी दृष्टि में इन पर निर्भर हो गई, जबकि हमसे इनको सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त, उल्टा हो गया। जब तक हम अब अपने अवच्छेदक को अपना आश्रय मानेंगे तब तक खत्म, जागृत स्वप्न में रहेंगे। और अपने अभी अपना मौलिक स्वरूप बिंब रूप जो है उसको अपना आश्रय मान लेंगे तो सुषुप्ति कोटि की सिद्धि हमको मिल जाएगी। और वास्तव में आश्रय आश्रित भाव नहीं, अवच्छेदक के योग से हम आश्रित सिद्ध होते हैं। अवच्छेदक का प्रोदन कर देने पर हम तो वास्तव में आश्रय रूप आत्मस्वरूप ही सिद्ध होते हैं। जैसे घटाकाश को यह बोध हो जाए कि घट से रहित हम आकाश मात्र हैं, तब हो गया काम, ऊर्ध्वमुख होंगे ना, हम अधोमुख हो गए, हमारी तादात्म्यापत्ति हमारे मौलिक स्वरूप के साथ हो। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा विनय पत्रिका में, अनुराग जो निज रूप सौ जगते विलक्षण देखिए। नैमिषारण्य में हम थे तो लगभग 100 पद हमको विनय पत्रिका के याद, और जन्मभूमि में थे तो लगभग 100 पद विद्यापद के याद, बहन बड़ी बहन ने याद करवाया।
और निमसारण में लगभग 100 पद, इसलिए विनय पत्रिका के पूरे पद अब नहीं याद हैं, कहीं कहीं पंक्तियां याद रह गईं, क्योंकि 66-67 के बाद हमने विनय पत्रिका का अध्ययन ही नहीं किया। तो विनय पत्रिका बहुत बढ़िया, अनुराग जो निज रूप सौ जगते विलक्षण देखिए, अपने रूप मौलिक स्वरूप में अगर रति हो जाए, अनुराग हो जाए, प्रीति हो जाए, तो गतिमत स्थिति ऊपर उठ जाए। इसको वेदांत को थोड़ी भक्ति आदि में भी ढाल देते हैं समझने के लिए, और उपासना का पक्ष दुर्बल ना हो, वेदांती होने के नाम पर नास्तिक ना हो जाए, इसलिए। एवं च जीव भावना धारत्वम अपादानत्वम च परमात्मन उपन्नम तदेवं वालाक्य जात शत्रु संवाद वाक्य संदर्भस्य ब्रह्म परत्वे स्थिते यस्य वैतत्कर्मेति व्यापाराभिधाने न संगच्छता इति कर्म शब्दः कर्वाभि कार्याभिधायी भवति एतदिति सर्वनाम परामृष्टं च तत्कार्यं सर्वनाम चेदं सन्निहित परामर्शि न च किञ्चिदिह शब्दोक्तमस्ति सन्निहितम्। बालाकी और अजात शत्रु का संवाद कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद में है और बृहदारण्यक उपनिषद में, दोनों जगह एक रूपता भी है, कुछ विलक्षणता भी है। उसका पर्यवसान जो है संवाद संदर्भ का ब्रह्म में है, ब्रह्म परत्व स्थित है। अब अगर हम मान लेते हैं कि ब्रह्म को बताने की प्रतिज्ञा बालाकी ने की, बेचारा पूर्ति तो नहीं कर पाया, उसने कह दिया कि आदित्य मंडलांतर्गत चंद्रमंडलांतर्गत जो पुरुष हैं इनका जो कर्ता है वह ब्रह्म है। तब एक दो घटक को लेकर ही संपूर्ण जगत का कर्तृत्व ब्रह्म में है, एक दो घटक को लेकर ही उसने ब्रह्म कह के छोड़ दिया। वो भी अगर हृदय में बोध होता कि इन दो घटकों को प्रलक्षण विधा से प्रस्तुत करता तब तो बात दूसरी थी। ऐसे परांचखानी बेटने स्वयंभू, तो खोकार तो आकाश ही होता है, खानी बहुवचन का प्रयोग है तो आकाश से संबद्ध इंद्रियां हो गई, खोपलक्षितानी सर, लेकिन अंत में बहुवचन का प्रयोग कैसे सिद्ध होगा, तो आकाश उपलक्षित इंद्रिय, आकाशी इंद्रिय, अंत में सभी इंद्रियां, खोपलक्षितानी सर्वाणी इंद्रियाणी। अगर इसको उपलक्षण विधा से पुरुष को रखते, चंद्रमंडल आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को अनधिगत का अधिगम कराने के लिए जिसको प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम उपलक्षण होता है। अधिगत से अनधिगत का बोध होता है, अनधिगत को उपलक्षण नहीं माना जाता, अधिगत को उपलक्षण माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अगर बालाकी को यह ज्ञान होता कि चंद्रमंडलांतर्गत सूर्यमंडलांतर्गत जो पुरुष हैं उनका जो कर्ता है वो सचमुच में उन्हीं का नहीं, जिन घटकों का हमने नाम लिया वो तो समग्र जगत का कर्ता, ऐसा तो बोध नहीं था। तब अजात शत्रु ने कहा, और कुछ जानते हो ब्राह्मण देवता तो बताओ, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन जिसको तुम ब्रह्म बता रहे हो उसमें ब्रह्म का समग्र लक्षण चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि दो चार घटक के माध्यम से ही तुमने ब्रह्म का लक्षण कर दिया, वास्तव में तो ब्रह्म का लक्षण पूरा चरितार्थ नहीं होता। तब बेचारा मौन हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। एक दिन मैंने कहा था समर्थ की परीक्षा बहुत महंगी पड़ती है, समर्थ की परीक्षा बहुत महंगी पड़ती है, बहुत से व्यक्ति जानते कम और अपने को मानते बहुत। हम लोगों को लगता ही नहीं स्वप्न में भी कम कुछ जानते हैं, ऐसा ही लगता, कुछ जानते हैं ऐसा लगता ही नहीं,
ऐसा लगता ही नहीं हम लोगों को कि कुछ हम जानते हैं, और थोड़ी थोड़ी जानकारी वाले भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं क्या। बड़ी विचित्र बात। तो वो इसीलिए दृप्त था, अहंकारी था, पहुंच गया वो कोई रहा होगा हमारा गुरु भाई धर्म संघ वाला शास्त्रार्थ की सबको चुनौती देने वाला। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा जनक, उन्होंने कहा मैं दानी भी हूँ, मेरी प्रसिद्धि दानी के रूप में भी या श्रोता के रूप में भी, मैं सुनता हूँ। आइए पंडित जी बताइए, ब्रह्म बताने आए हैं तो पहले आप आए हमारे पास, ब्राह्मण हैं, इतने गाय की दक्षिणा ले ली उधार। हाँ हाँ, जो सुनाना चाहते सुनाइए। अब बेचारे सुनाते क्या, जो सुनाए वो तो राजा को पहले से विदित था, और ब्रह्म के नाम पे जो सुनाया वो पूरा ब्रह्म का लक्षण, उसमें चरितार्थ नहीं होता था। बालाक किया जात, बालाक किया जात शत्रु संवाद वाक्य संदर्भ से ब्रह्म परत्व स्थित है, या दोनों के दोनों का संवाद जो हुआ, नाम उसने ब्रह्म का लिया, प्रतिज्ञा उसने की, बिना नाम लिए ही पूर्ति इसने की, तो नाम का कर्षण वहाँ से हो जाएगा, लक्षण की का नियमन यहाँ से हो जाएगा क्या, तब काम बनेगा ना। जिसने ब्रह्म के बताने की प्रतिज्ञा की वो तो ब्रह्म को बता नहीं पाया, और जिसने ब्रह्म को बताया उसने ब्रह्म नाम का प्रयोग नहीं किया क्या, और जिसने ब्रह्म को बताने की प्रतिज्ञा की उसने उदाहरण भी दे दिया, किसको, चंद्रमंडलांतर्गत सूर्यमंडलांतर्गत जो पुरुष हैं उनका जो करता है घटक का नाम ले लिया, एतक कर्म जो कहा अजात शत्रु ने उसमें एतक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, तो प्रोनाउन का प्रयोग तो नाउन के स्थान पर होता है, एतक से अब किसको ले जाएं। बालाकी ने जिसको उदाहरण दिया हो तो बहुवचन और पुल्लिंग है, पुरुषाह एतेषां पुरुषाह, बहुवचन है और पुल्लिंग है, उसका ग्रहण तो नपुंसक एक वचन एतत् से हो ही नहीं सकता है। तो एतत् कौन है, वे जा रहे हैं, वह जा रहा है, अब वह का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई संज्ञा बताओ ना किसका, वह तो सर्वनाम है ना, नाउन का प्रयोग नहीं किया, प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया तो किस पर जाएगा वो। तो एक विचित्र बात है, जिसका करता है ब्रह्म, ब्रह्म को न जानने वाले ने जिसका करता है उसको तो बता दिया पुरुषों का करता है, इन्होंने ब्रह्म को नाम लिए बिना ब्रह्म को लक्षण चरितार्थ कर दिया, ऐसे ढंग से बोले कि ब्रह्म में ही प्रतिज्ञात जो ब्रह्म है वालाकी के द्वारा उसी में ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ हो, लेकिन ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक तो ब्रह्म की पूर्ति होगी बालाकी के प्रतिज्ञा वाक्य से, ब्रह्म शब्द का कर्षण होगा। अब एतत् शब्द कहकर बालाकी के द्वारा जो दृष्टांत दिया गया, कार्य जिसका कार्य है, कार्य हैं जिसके कार्य हैं ये पुरुष, वो एतत् शब्द से कर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि एक वचन और नपुंसक लिंग में है, तो कोई अज्ञान पदार्थ या वो जिसका उल्लेख नहीं किया, अनुल्लेख अनुलिखित पदार्थ कोई बाला ये अजात शत्रु के मन में था, जिसके कर्ता को उसने प्रकारांतर से ब्रह्म बताया, प्रतिज्ञात जो ब्रह्म था उसको ब्रह्म शब्द से न कह करके भी लक्षण उसमें चरितार्थ कर दिया। तो अब बड़ी विचित्र बात है, एतत् को ले जाएं तो कहाँ जाके रखें, एतत् शब्द की पूर्ति किस नाम किस पदार्थ के द्वारा होगी, या जो समष्टि हो सके, एक वचन का विषय बन सके, एक घटक हो और जिसमें सबका समावेश हो सके, एतत् पद का अर्थ वही हो सकता है, एतत् शब्द से उसी का ग्रहण किया जा सकता है। ये सब बहुत आवश्यक है, क्यों इस प्रकार से जो हम खोल खोल के क्यों बताते हैं कि हमको भी समझने में समय लगता है, झूठ तो बोलना पाप है ना, और खोल खोल के बताने पर फिर ग्रंथियाँ टूटती,
ग्रंथ ही जल्दी पूर्ण करना है तब तो फिर हनुमान चालीसा के समान पढ़ के भी हम अर्थ कर सकते हैं, लेकिन उसे लाभ नहीं होगा, न हमको संतोष होगा न सुनने वाले, इतने गुमान हो जाएगा कि हाँ दो वर्ष में चौमासे में ब्रह्मसूत्र पूरा हो गया, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए तो मनन निधि ध्यासन का काम भी मैं ही कर लेता हूँ प्रायः, जो पढ़ने वाले होते हैं उनका जो दायित्व है उनके लिए बहुत सुगम बना देता हूँ। मनन निधि ध्यासन से जो मुझे सामग्री मिलती है वो भी पढ़ाते समय बोल देता हूँ ताकि श्रोताओं को कम परिश्रम में अधिक लाभ हो जाए। यस वै तत्कर्म इति व्यापाराभिधान है। अब हो गया कर्म के तीन प्रकार से अर्थ किया था पहले, एक परिस्पंद या स्पंद या व्यापार रूप कर्म, हलचल जीवन में हलचल बना रहे क्या, परिस्पंद व्यापार या स्पंद रूप कर्म, चेष्टा रूप कर्म। एक कर्म होता है जो कर्म के द्वारा सिद्ध हो लेकिन कर्म नाम से अभिहित हो, पाप पुण्य रूप कर्म। एक कर्म कार्य कोटि के पदार्थ का नाम कर्म है। तीन अर्थ किए गए पहले, क्या कर्म को बताने के लिए तीन प्रकल्प ढूंढा गया। पहला प्रकल्प तो क्या है, परिस्पंद या चेष्टा या स्पंद रूप कर्म, व्यापार। व्यापार परिस्पंद या व्यापार माने वो व्यापार नहीं बनियों वाला, वो भी व्यापार सब में रूढ़ हो गया है, हलचल चेष्टा। व्यापार माने हलचल चेष्टा। एक अर्थ, मुख्य अर्थ तो यही है, रूढ़ार्थ तो यही है ना, कर्म कहने पर सीधा अर्थ क्या लगता है। कार्यते इति यौगिक व्युत्पत्ति के द्वारा लाभ अर्थ तो प्राप्त नहीं होता, सीधे चेष्टा का नाम, व्यापार का नाम, हलचल का नाम क्या है, कर्म है। दूसरा अर्थ क्या हुआ भाई, कर्म के स्वरूप शास्त्र सम्मत जब कर्म करेंगे उसका नाम धर्म हो जाएगा, शास्त्र का के विरुद्ध कर्म करेंगे, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर देंगे तो अधर्म हो जाएगा, तो धर्माधु धर्म रूप कर्म। तो बीच वाला को छोड़ दें अभी, उसका प्रसंग जल यहाँ प्राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब दो बात हो गई, या तो व्यापार कोटि का कर्म मानो या क्रियते इति, इस ढंग से कार्य को ही कर्म कह दिया, कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट है उसका नाम कर्म। इस ढंग से विचार करें तो यह जो है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। रूढ़ार्थ जो होता है वो क्या होता है, समुदाय प्रसिद्धि से प्राप्त अर्थ। यौगिक अर्थ कौन होता है, व्युत्पत्ति के द्वारा प्राप्त अर्थ। व्याघ्र कहने पर पशु विशेष का ज्ञान झटपट हो जाता है, और व्युत्पत्ति के व्यामोह में व्याकरण के रचयिता को व्याघ्र ने खा ही लिया। अच्छा व्याघ्र तो व्युत्पत्ति करने लग गए तब तो खा के खा गया, और द्वादशी को सूत जी को मार दिया बलराम जी ने, इसलिए द्वादशी को पुराणों की कथा नहीं कहनी चाहिए। अब भागवत कथा में बैठ गए हों, व्रत ले लिए हों तो बात अलग है। द्वादशी को मार दिए गए, कौन, सूत जी, बलराम जी ने मार दिया। द्वादशी को पुराणों की कथा नहीं कही जाती, अष्टमी को व्याकरण के रचयिता पाणिनि जी को खा गया व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करने में चले गया प्राण व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करने में चला गया प्राण। झट से यौगिक अर्थ को मान लेते तो भग जाते, गुरु जी व्याघ्र व्याघ्र। फिर तो अब हम जा रहे थे प्रवचन करने स्वामी अखंडानंद निवास के यहाँ, दुमंजिला पर रुके थे। अब चलते समय हमको यह नहीं ध्यान कि सीढ़ी से उतरना चाहते, नैयायिकों का आत्मतत्व तो कैसे है, अब है पाँव तो रख दिया, खड़ाऊँ सहित गिरे 12-13 सीढ़ी होगी, अब खड़ाऊँ तो टूटने ही टूटने थे, खूटी किसी तरह लंगड़ाते हुए प्रवचन करने चले गए, आ भी गए। उसके बाद 15 दिन फिर लेटे रहे, तो अब क्या हुआ, नैयायिकों का आत्मतत्व कैसा है, इतना महंगा पड़ा 15 दिन तो उसने ले ही लिया। इसीलिए कहा गया
कि व्यापार अर्थ करने पर सुगमता है, प्रसिद्ध अर्थ तो यही है, व्यापाराभिधाने न संगतता इति कर्म शब्द कार्याभिधायी भवति, यस्य वै तत्कर्म, जिसका यह कर्म है अगर हम व्यापार को लेकर करेंगे तो वास्तव में सुसंगत नहीं होगा। यह आगे बताया जाएगा, एतत् माने यह समस्त जगत द्वाल सृष्टि जगत जिसका कर्म है, यहाँ पर कार्य कोटि के पदार्थ का नाम कर्म होगा, व्यापार का नाम तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमने एक दिन बताया था कर्म की सिद्धि में व्यापार हेतु है या व्यापार ही कर्म है। कर्म की सिद्धि में व्यापार भी एक हेतु है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करण च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा हो ना, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शुभ अशुभ या मिश्र, तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं मन वाणी शरीर से, उनमें हेतु पांच हैं भगवान ने कहा। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम और करणगत चेष्टा विविधाश्च पृथक चेष्टा, पृथक पृथक जिस कार्य की निष्पत्ति के लिए जिस प्रकार के हलचल चाहिए देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में या करण में, उस प्रकार की चेष्टा। दैवम चैवात्र पंचमम, गीता प्रेस वाले प्रारब्ध कहते हैं, शंकराचार्य जी अधिदैव कहते हैं, अनुग्राहक देव। तो हमने यह कहा कि कर्म की सिद्धि में कौन हेतु हो गया, चेष्टा भी हेतु है या नहीं, हलचल या व्यापार भी एक हेतु है। तो व्यापार अगर कर्म हो तब तो फिर कर्म की सिद्धि में वो व्यापार हेतु कैसे बन जाए। तो हेतु के रूप में जब हम व्यापार को ले लेंगे तो फल कौन होगा, कार्यते इति। तो जगत रूप जगत जिसका कार्य है कर्म है, ऐसा जब अर्थ करेंगे कर्म का, तब तो व्यापार पर अकर्ष घटित नहीं होगा। उदाहरण हमने दे दिया, वो तो पृथक चेष्टा करणगत तत्त करणगत कार्यान कार्य सिद्धि के अनुरूप चेष्टा जो पृथक पृथक है, हलचल उसका उद्यमन निपातन इत्यादि। एक काष्ठ को काटना है तो कुल्हारे का क्या करेंगे, उद्यमन उठाओ और निपातन बजारो, जब तक छिदिक क्रिया की निष्पत्ति न हो जाए तब तक उद्यमन निपातन का काम करते रहो। ऐसे ही कर्म शब्द कार्याविधायी भवति, एतदिति सर्वनाम परामिष्टम च तत्कार्यम, और एतद कहकर एतद जो सर्वनाम है उससे परामृष्ट जो होगा, अर्थात वो किसको लक्षित करता है, किस किधर उसका रुख किधर है, उसी का नाम कार्य है। एतद कहकर किसको लक्षित किया गया, किसका ग्रहण किया गया, किसका परामर्श है, वो जो कार्य हो वही वही जिसका कार्य है वो जगत, जिसके लिए एतद शब्द का प्रयोग किया गया सर्वनाम का। सर्वनाम चेदम सन्निहित परामर्शी न च किंचित यह शब्दोक्तमस्ति सन्निहितम। अब एक विचित्र है तथ्य कि भाई शब्द का ग्रहण शब्द के द्वारा होता है, सदृश प्रमाण में संज्ञा सर्वनाम भाव का प्रयोग हो तब काम चलता है। अन्य प्रमाण से अधिगृहित पदार्थ को लेकर सर्वनाम का प्रयोग करने पर उस अन्य पदार्थ और सर्वनाम में अन्वय की सिद्धि नहीं होती। इसके लिए भामतिकार वाचस्पत कठिन शब्द कठिन प्रसंग है। संज्ञा नाउन और सर्वनाम प्रोनाउन दोनों शब्द के द्वारा सिद्ध होंगे, तब एक दूसरे के साथ अभीष्ट अन्वय होगा। किसी अन्य प्रमाण के द्वारा संज्ञा की सिद्धि होगी तो सर्वनाम जो शब्दात्मक है उसका उसके साथ अन्वय नहीं होगा। उदाहरण के लिए घटोस्ति कहा, घट है, घट प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध, उसके बाद हो गया अस्ति। अब हम घटोस्ति कहेंगे तो पूरा अन्वय हो गया, सम्मुख घट का बोध होगा,
लेकिन अस्थि कह देने से वो घट का ग्रहण कैसे हो जाएगा? केवल अस्थि का उच्चारण कर दें तो घट ग्रहण कैसे होगा? या सिवाय एतत् कर्म कह दिया, एतत् कह दिया, एतत् शब्द किसको बताता है? जिसको बताता है उसका नाम तो यहाँ लिया नहीं गया। कठिनाई यह है कि सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन वह सर्वनाम जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द के द्वारा उसका निरूपण हुआ नहीं। अब अगर जो सन्निहित पुरुषा है उसके साथ इसका अन्वय कर दें, पुरुष शब्द का प्रयोग किया था किसने? बालाकी ने, वो तो बहुवचन और पुल्लिंग में है, तो एतत् शब्द उसको परामर्श कर नहीं सकता। जिसका परामर्श करता कर सकता उसका उल्लेख नहीं है। जिस जो प्रस्तुत है वो ग्राह्य नहीं है, और जो प्राप्त नहीं है वह ग्राह्य है, तब समस्या बन गई या नहीं? क्या प्रस्तुत कौन है? पुरुषा, वो ग्राह्य क्यों नहीं? वो शब्द के द्वारा प्रस्तुत है, शब्द प्रमाण के द्वारा पुरुषा बालाकी ने कहा, लेकिन पुल्लिंग और वह वचन है, इसलिए एक वचन नपुंसक के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता, नपुंसक लिंग के द्वारा। अब प्रश्न उठता है, एक वचन और नपुंसक लिंग का पेट कौन भरे? जो भर सकता है वो जगत है, लेकिन जगत का यहाँ उल्लेख नहीं है, तो वैसे ही विसंगति हो गई। अस्थि है हमारे पास, अस्थि शब्द हमारे पास, घट शब्द का उल्लेख नहीं हो, घट है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध भूतल पर, अब उस अस्थि कह देने से ना, माने अस्थि घटोस्थि में घट का उच्चारण न करें, केवल अस्थि कह देने से घट का ग्रहण कैसे हो जाएगा? उस अस्थि का उसके साथ संबंध अन्वय नहीं बैठेगा। अन्वयान सिद्ध, अन्वय की असिद्धि, अन्वयासिद्धि, अन्वयासिद्धि नामक दोष की प्राप्ति हो गई। एतत् का पेट भरने के लिए कोई नपुंसक एक वचन कोटि का पदार्थ चाहिए, लेकिन उस पदार्थ का शब्द प्रमाण के द्वारा उल्लेख नहीं किया गया। जिस पदार्थ का वालाकी के द्वारा उल्लेख किया गया वो पुल्लिंग और बहुवचन है, उससे इस एतत् का पेट भर नहीं सकता। एतत् सर्वनाम का पेट तो भरना है, अन्वय करना है, अन्वय जिसके साथ उसका अन्वय करना है, वो पदार्थ वाक शब्द के द्वारा प्रस्तुत नहीं है, तब तो वैसे ही विसंगति हो गई। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा घट भूतल पर दृष्टिगोचर है, लेकिन उस शब्द के द्वारा घट का उल्लेख नहीं किया गया, तो जब तक घटोस्थि कहना दें तब तक घट के साथ अस्थि का अन्वय नहीं होगा। केवल अस्थि कहने पर घट का ग्रहण इसीलिए नहीं होगा कि शब्द के द्वारा अस्थि प्राप्त शब्दात्मक है, लेकिन घट तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तो दोनों में अन्वय को लेकर विसंगति होगी। इसी प्रकार से एतत् के द्वारा, एतत् का पेट भरने के लिए हमको चाहिए एक वचन नपुंसक लिंग से ग्राह्य पदार्थ। जो पदार्थ चाहिए वो जगत तो है, लेकिन वो जगत शब्द प्रमाण के द्वारा गृहित नहीं है, क्योंकि उसका उल्लेख नहीं किया गया। जो शब्द प्रमाण के द्वारा गृहित पुरुषा है वो पेट नहीं भर सकता एतत् का, क्योंकि वो पुल्लिंग और बहुवचन में है। ऐसी स्थिति में फिर क्या करें? समय हो गया। तब कहते एतादिति चैकस्य नपुंसकस्य विधानात् एतेषां पुरुषाणां कर्तृत्वेनैव गतार्थत्वाच्च तस्मा, क्योंकि एतेषां पुरुषाणां जब कह दिया, इन पुरुषों का जो कर्ता है, एतेषां का पेट तो भर गया ना पुरुषों के साथ, वहाँ तो अन्वय है, दोनों हैं बैठे हैं। एतेषां पुरुषाणां कर्ता जब कह दिया तब तो वहाँ पर अपने आप में वाक्य पूरा हो गया, इसलिए उसका कर्षण यहाँ हो ही नहीं सकता है। अब एतत् के द्वारा किस पदार्थ का कर्षण करें? जिसका कर्षण हो सकता है वो शब्द के द्वारा कहा नहीं गया, यह एक समस्या है, इसकी पूर्ति कैसे हो? तस्माद् अशब्दोक्तमपि प्रत्यक्ष सिद्धं सम्बन्धार्हं जगदेव
परामृष्टव्यम। अब कहते हैं जबकि बात ऐसी है, भले ही अशब्दोक्तमपि शब्द के द्वारा यद्यपि जगत शब्द जगत कहा नहीं गया है, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो अगत्या इसको कहते, और कोई गति न होने पर क्या है, और कोई गति न होने पर एतत् का पेट भरना है, उसकी पूर्ति उसका अन्वय पुरुषार्थ के साथ हो नहीं सकता। एतेषां के साथ पुरुषार्थ का अन्वय पहले से ही प्राप्त करता, अब कोई ना कोई अन्वय अन्वय बैठाने के लिए पदार्थ चाहिए। तो अगत्या प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध जो जगत है उसी के साथ एतत् शब्द का अन्वय बैठेगा। अगत्या जगदेव परामृष्टव्यम, जगत ही परामृष्ट होने योग्य है। इसका भी अंतर में उत्तर क्या देते हैं, अब शब्द जो है बौद्ध प्रत्यय के साथ है, क्या वैयाकरणों का ले आओ यहाँ पर वचन, न सोचती प्रत्ययलोके या शब्दानुगमार्थे वाक्य पदीयम, जो वैयाकरणों का बहुत बड़ा दार्शनिक ग्रंथ है उसके 1.123 में न सोचती प्रत्ययलोके या शब्दानुगमार्थे, कोई भी लोके कोई भी व्यवहार साधक ऐसा प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुगम ना हो। तब वो क्या करेंगे, समान देश में बैठा लेंगे किसको, जगत को। जैसे बाहर जो घट है उसको अस्थि के साथ अन्वित कैसे करेंगे, घटोस्थि कह देंगे तब करेंगे, लेकिन घटोस्थि कहने पर अस्थि तो हो गया शब्द, घट जो है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत है। तो फिर क्या करेंगे, घटोस्थि कहकर अस्थि का पेट भरने के लिए घट को उसके साथ ला देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शब्द के द्वारा जगत प्राप्त नहीं है लेकिन एतत् शब्द है। अब दोनों में शब्द प्रमाण की स्थिति न होने पर अगत्या क्या करेंगे, प्रत्यक्ष सिद्ध जो जगत है वह एतत् का विषय बन सकता है, लेकिन उसको कहाँ ले जाएंगे, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जगत को बौद्ध जगत में ले जाएंगे, बुद्धि में बैठाएंगे। अब क्या हो गया, दोनों का साहचर्य बन गया, बुद्धिस्थ जो जगत होगा, बुद्धिनिष्ठ जो जगत होगा, बुद्धिनिष्ठ एतत् शब्द के साथ अन्वित होकर अर्थ कर देगा। तो प्रत्यक्ष सिद्धम संबंधारहम जगदेव परामृष्टव्यम, पारिशेष्य न्याय से जगत के साथ ही शब्द एतत् शब्द का उपयोग वनियोग हो सकता है, अन्वय बैठ सकता है। भले ही जगत प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत हो, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत जब जगत हो गया, अधिगत कहने से वो कहाँ जाके बैठ गया, बुद्धि में बैठ गया। घटपटादि पदार्थ अधिगत हुआ तो अधिगत घटपटादि पदार्थ कहाँ जाके रह गया, बुद्धि में। ये तत् पदार्थ भी बुद्धि में है, दोनों समान देश में हो गए। इस प्रकार से दोनों में अन्वय सद गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।